हेलो एवरीवन दिस इज़ योर फ्रेंड सी एस डी डी वेलकम यू यू ऑल अन मई यूट्यूब चैनल क्या हाल चाल हैं आप सबके उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एम की एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है 19 फरवरी 2021 की और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एम ने आ, बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ कंपनीज लिस्टेड कंपनी की डिफिनेशन में काउंट नहीं होंगी बहुत छोटी सी नोटिफिकेशन है एक पेज की नोटिफिकेशन है बट हाईली इंपॉर्टेंट और ये एक रूल के थ्रू इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को लाया गया है और एक नया रूल ऐड किया गया है इन कंपनीज एक्ट के एक पर्टिकुलर रूल में तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर आ, नोटिफिकेशन के बारे में तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है कि ये नोटिफिकेशन जो है ये नाइनटीन फेबर टू की है और एम ने नोटिफिकेशन रिलीज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करते हुए इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोवाइजो ज एक्ट section 2. Section 2, uh, की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन के बारे में होता था और सेक्शन टू का क्लास फिफ्टी टू रेड विद सब सेक्शन वन एंड टू ऑफ सेक्शन फोर सिक्सटी नाइन ऑफ दंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड दिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स टू थाउजेंड फोर्टीन अगर मैं यहाँ पे लिखे सेक्शन की बात करूँ प्रोविजन की बात करूँ तो यहाँ पे सेक्शन टू क्लॉस फिफ्टी टू ठीक है दूसरी चीज यहाँ पे बात की गई है सेक्शन फोर सिक्सटी नाइन सब सेक्शन वन एंड सब सेक्शन टू अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सब सेक्शन वन सब सेक्शन टू किस बारे में बात करते हैं और ये सेक्शन टू क्लास फिफ्टी टू क्या बात करता है तो देखिए ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं हाईलाइट करता हूँ जरा देखिएगा कहते हैं सेक्शन टू क्लास फिफ्टी टू लिस्टेड कंपनी की बात करता था और वहाँ लिखा था कि लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज

और ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रोवाइजो भी 2020 में ही ऐड हुआ और इस प्रोवाइजो के थ्रू ये बोला गया कि कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज हो सकती हैं और उन क्लासेस ऑफ कंपनीज की कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं अगर वो पर्टिकुलर कंपनी अपनी उन क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराते हैं तो लिस्ट कराने के बावजूद उन कंपनी को लिस्टेड कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा मतलब ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट था ऊपर क्योंकि जो क्लास 52 था वो तो साफ कह रहा था कि अगर किसी भी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट होगी रिकग्ग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी लेकिन इसी का प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर कोई क्लासेज ऑफ कंपनीज अगर किसी क्लास ऑफ सिक्योरिटी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कौन से क्लास ऑफ कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर ये प्रोवाइजोर एप्लीकेबल है और कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रोवाइजोर लिखा गया तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज की कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज अगर लिस्ट होंगी भी तो भी उनको लिस्टेड नहीं माना जाएगा यहां पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी पावर का यूज करते हुए इसी पावर का यूज करते हुए ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाली और इस नोटिफिकेशन का नाम क्या लिखा लिखा दीज रूल्स में बी कॉल्ड द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2021 एंड दे विल बी कमिंग इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 कमिंग फर्स्ट अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे इफेक्टिव हो जाएंगे ठीक है कहते हैं इस पर्टिकुलर रूल में क्या अमेंडमेंट लाई गई है कहते हैं इस पर्टिकुलर रूल में एक रूल नंबर टू एड किया गया है और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में सिर्फ ये रूल टू ए ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिस्कस किया गया और ये देखते हैं क्या लिखा है कहते हैं रूल टू ए का नाम क्या रखा गया कहते हैं हेडिंग दी गई इस पर्टिकुलर रूल टू ए को कंपनीज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज ऐसे कौन सी कंपनी है जिनको हम लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे ध्यान से समझिएगा वैसे तो मेन जो क्लास 52 की डेफिनेशन की बात करें तो वहां लिखा था कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्ट होगी तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाएगी बट यहां पे मना किया गया है और यहां ऐसे बोला गया है कि कुछ कंपनीज जो इस रूल टू ए में डिस्कस की जा रही हैं अगर यहां पर फॉल करने वाली कोई कंपनी यहां पर फॉल करने वाली कोई सिक्योरिटी को लिस्ट कराती है तो लिस्ट होने के बावजूद वो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी कहते देखते हैं क्या लिखा है कहते फॉर द परपज ऑफ द प्रोवाइजर फॉर द ऑफ द प्रोवाइजर टू क्लॉस टू ऑफ सेक्शन ऑफ द एक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं द फॉलोइंग ऑफ कंपनीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज कहते हैं कुछ क्लासेज ऑफ कंपनीज हैं जिनको हम लिस्टेड कंपनी नहीं कंसिडर करेंगे नेमली कहते हैं सबसे पहले नंबर पे पब्लिक कंपनीज कहते हैं अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं चलो पहले पढ़ाई देता हूं उसके बाद एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दूंगा उससे और क्लियरली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा समझ में आ जाएगा कहते हैं पहले नंबर पे बोला गया पब्लिक कंपनी कहते हैं अगर कोई पब्लिक कंपनी है विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं किए हैं ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बट हैव लिस्टेड देयर कहते हैं ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है लेकिन उसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है बट उसने हैव लिस्टेड देयर लेकिन उसने लिस्ट करा ली अपने क्या नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये शेयर्स में आगे कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले नॉन कन्वर्टेबल है डेट सिक्योरिटीज है ठीक है इशूड ऑन ध्यान से प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन टू कहते हैं अगर किसी पब्लिक कंपनी ने कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे अगर लिस्ट कराई भी है तो इंटायर सिचुएशन वो पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी बस ध्यान ही रखिएगा कि पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होने चाहिए फिर उसके बाद बोला वही पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है अगर वही पब्लिक कंपनी लिस्ट कराती है अपने तो बोला गया नॉन कन्वर्टेबल ये भी नॉन कन्वर्टेबल है क्योंकि कन्वर्टेबल होते कभी ना कभी इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते थे तभी तो लिखा नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर्स अगेन इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ध्यान रखिएगा ऑफर लेटर के थ्रू

ठीक है अब यहां पे अगर हम अगर इसका हम क्रक्स निकालें तो इसका इसका क्रक्स अगर हम नोट करना चाहें तो आप नोट कर करते हैं अगर आप चाहें तो अदरवाइज मैं करा रहा हूं ध्यान से देखिए क्या लिखा है कहते हैं अगर कोई पब्लिक कंपनी है और इस पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स इस पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड यह पहली कंडीशन है कि भाई उसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए और अगर यही पब्लिक कंपनी नॉन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करा रही है लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और साथ ही साथ नॉन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के अलावा रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रिफ्रेंशियस ठीक कहते हैं अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है और अगर वो लिस्टिंग करवा रही है अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियस की तो वो पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं मानी जाएगी ऑल उसके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियस लिस्टेड हैं बट फिर भी उस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अच्छा सिर्फ ये लिस्टेड है तो भी नहीं मानी जाएगी सिर्फ ये लिस्टेड है तो भी नहीं मानी जाएगी ये दोनों ही लिस्टेड है तो ही तो भी वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी अच्छा सर लेकिन अगर ये नॉन कन्वर्टेड डेट नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है नॉन कन्वर्टेबल रेडीमेड पर लिस्टेड नहीं है लेकिन इक्विटी शेयर लिस्टेड है फिर तो बच्चे वो लिस्टेड कंपनी ही मानी जाएगी ठीक है फिर सेकंड कैटेगरी आती है प्राइवेट कंपनीज के रिगार्डिंग ये तो थी पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग सेकेंड नंबर पर हम आते हैं प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग और बात करते हैं कहते हैं प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन अ रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन टू थाउजेंड एंड एट यहां प्राइवेट कंपनी की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोविजन लिखा है जो ऊपर है जो पब्लिक कंपनी के लिए है बस फर्क इतना है कि यहां प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोल दिया गया है ध्यान से बच्चे ध्यान से समझना कहते हैं यहां प्राइवेट कंपनी के लिए बोल दिया गया है सिर्फ एक ही पॉइंट नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ एक ही सिक्योरिटी की यहाँ पे एग्जिमशन दी गई है और बोला गया है कि नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ अगर प्राइवेट कंपनी लिस्ट कराती है तो इन डैट सिचुएशन उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड एंटिटी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी बस ध्यान यहाँ पे अगेन फिर यही बात का रखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ही ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ इशू होनी चाहिए और यहाँ पर यह भी मांग कर लीजिएगा कि ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ही होगा सिर्फ और सिर्फ इस पर होगा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ही होगा इस चीज का ध्यान रखिएगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको अलग से नोट करा दिए हैं इन चीज का ध्यान रखिएगा और लास्ट में अगर हम आते हैं तो लास्ट में बात करते हैं अगेन कहते हैं पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स अगेन पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ स्टॉक रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज बट बट हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज जुरिस्डिक्शन एज स्पेसिफाइड इन सबसे एक ऐसी लेकिन उसके इक्विटी शेयर एक्सचेंज एक जुरिस्डिक्शन है मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन ट्वेंटी थ्री सबसे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ कहते है कहते लिखा है सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसेबल फॉरिन ज्यूरिस्डिक्शन और सच अदर जोरिस्डिक्शन एज प्रिस्क्राइब इसी इसी रेफरेंस को यहां पर यूज किया गया है और यहां बोला गया है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स इंडियन रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है लेकिन बट हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो फॉरेन रिजट्रिक्शन में आते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि फॉरेन रिज्रिक्शन में सेक्शन 23 थ्री सब सेक्शन थ्री के बेसिस पे अगर सिर्फ फॉरन रेज्रिक्शन वाले स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर्स लिस्टेड हैं तो इन दैट सिचुएशन वो पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी अगेन लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी तो ये थी ये पूरी नोटिफिकेशन उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी नोटिफिकेशन समझ में आई और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की डेफिनेशन का पूरा एक्जाम क्राइटेरिया समझ में आ गया दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा और बाकी लोगों के साथ भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता लग सके कि नोटिफिकेशन क्या है फर्दर वीडियोज़ में हम लोग एम की और नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे टिल देन गुड बाय इंजॉय योर डे बाय